मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा फोर्थ के लिए यानी चौथी कक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इंग्लिश और गणित पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश में द थर्स्टी क्रो यानी द थर्स्टी क्रो यानी प्यासा कौवा नामक कहानी के मीनिंग करा रहे, ठीक है। स्टोरी है ये, क्या है स्टोरी, इसके मीनिंग इससे पहले भी आपको करा चुके हैं, 8 मीनिंग कल कराए थे, बाकी 7 आज उनका उच्चारण करके बताता हूँ। इन मीनिंगों को याद करना है ताकि अगले वीडियो में जब हम स्टोरी लिखना चालू करें तो आप लोगों को उसको हिंदी में भी समझने में सरलता रहे। जैसे पहला है सर्च, SEARCH, सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है, तलाश करना या ढूंढना। SEARCH, सर्च का मतलब होता है तलाश करना या ढूंढना, ठीक है। वाटर, WATER, वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। WATER, वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। पिक्चर, PICHER, पिक्चर का मतलब क्या होता है, घड़ा। PICHER, पिक्चर का मतलब क्या होता है, घड़ा। बीक, BEAK, बीक का मतलब क्या होता है, चोंच। BEAK, बीक, बीक का मतलब क्या होता है, चोंच। BEAK, बीक का मतलब क्या होता है, चोंच। क्लेवर, CLEVER, क्लेवर का मतलब क्या होता है, चतुर। CLEVER, क्लेवर का मतलब क्या होता है, चतुर। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। ड्रंक, DRANK, ड्रंक। ड्रंक का मतलब क्या होता है, पीना। DRANK, ड्रंक का मतलब क्या होता है, पीना। पिन से देखिए, सर्च, SEARCH, सर्च का मतलब क्या होता है, तलाश करना। वाटर, WATER, वाटर यानी पानी। पिक्चर, PICHER, पिक्चर यानी घड़ा। बीक, BEAK, बीक यानी चोंच। क्लेवर, CLEVER, क्लेवर यानी चतुर। हैप्पी, HAPPY, हैप्पी यानी खुश। ड्रंक, DRANK, ड्रंक यानी पीना। ये मीनिंग है, 7 मीनिंग है, इनको आपको याद करना है ताकि हम अगले वीडियो में जब स्टोरी लिखें तो किसी प्रकार की कठिनाई ना। ये तो इंग्लिश में। अब आते हैं गणित में। गणित में हम एक एक नियम के ऊपर आधारित सवाल कर रहे थे। इससे पहले आप लोगों को जो सवाल कराए गए उसमें एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ रहता था और ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछा जाता था, या ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दे करके एक वस्तु का मूल्य पूछा जाता था। अब सवाल थोड़ा सा हट गया। अब ध्यान से देखिए कि सवाल क्या है। कहा जा रहा है 10 पेन का मूल्य 450 रुपया, सॉरी 45 रुपया है, तो ऐसे ही 55 पेनों का मूल्य ज्ञात करो। 55 पेनों का मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। 10 पेन का मूल्य दिया है हमें, 10 पेन का मूल्य कितना रुपया, 45 रुपया। 10 पेन का मूल्य कितना रुपया, 45 रुपया। अब हमसे 55 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। हल करेंगे, ध्यान से सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें दिया हुआ पहले वो लिखेंगे, चूंकि 10 पेनों का मूल्य बराबर, 10 पेनों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 45 रुपये। हमसे पूछ कितने कर रहा है, 55 का पूछ कितने कर रहा है, 55 का। तो हमें एक का पता होता है तो हम ज़्यादा का निकाल लेते हैं, तो हमें तो 10 का दिया हुआ, एक का दिया हुआ नहीं। तो अब क्या करेंगे, पहले एक पेन का मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे, एक पेन का। तो लिखेंगे, इसलिए एक पेन का मूल्य बराबर, एक पेन का मूल्य बराबर, 10 पेन का मूल्य कितना दिया हुआ है, 45 रुपया।
ये 45 रुपये कितने पेन का मूल्य, 10 के, तो इसमें 10 का भाग लगा देंगे, यानी 45 में 10 का भाग लगाएंगे, लगा लेते हैं 45 में 10 का भाग लगाते हैं, 10 चौके 40, ऊपर से आया 5, अब 10 के पाड़े में 5 आता नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ जीरो लगा दोगे, 10 × 5 = 50, यानी एक पेन का मूल्य क्या हुआ 4.5 रुपया, एक पेन का मूल्य आ गया। हमारे पास एक पेन का मूल्य आ गया 4.5 रुपया। अब हमें निकालना कितने का है, इसलिए 55 पेनों का मूल्य बराबर, 55 पेनों का मूल्य बराबर, अब 55 पेनों का मूल्य निकालना है तो 55 × 4.5, ठीक है, तो इस 55 में 4.5 का हम गुणा कर देते हैं, क्या करेंगे 4.5 का गुणा कर देंगे, सिंपल पहले गुणा करते हैं, 5×5 = 25 का 5 हासिल लगा दो, 5×5 = 25 और 2 = 27, पहले संख्या के नीचे 4×5 = 20 का 0 हासिल लगा दो, 4×5 = 20 और 2 = 22, जोड़ दो 5, 7, 2, 2, 4 और 2, कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दोगे तो अपना हो जाएगा 247.5 रुपया, ये अपने 55 पेनों का मूल्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ध्यान रखें, जब कभी भी एक पेन का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य दिया हो और ज़्यादा का पूछ ले तो गुणा करना है, ज़्यादा का दे करके एक का पूछ ले तो भाग करना है, लेकिन जब कभी अधिक वस्तु का मूल्य दे दे, जैसे कि 5 का, 10 का, 15 का, 20 का और उससे भी अधिक का पूछ ले, यानी मान लो 10 का दे दिया, 10 वस्तुओं का मूल्य इतना है और हमसे कह दे कि 20, तो बताओ 20 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, कह दे कि 10 पेन का मूल्य इतना है, 20 का बताओ, तो पहले वो जो 10 का मूल्य दिया हुआ उससे हमें क्या करना होगा, एक वस्तु का या एक पेन का मूल्य निकालना होगा, और जो एक वस्तु का या एक पेन का मूल्य आएगा उससे और जितने अधिक का पूछ रहा है उसमें गुणा कर देंगे तो हमारा उस वस्तु का मूल्य निकल जाएगा। आज सवाल लेकर आए, इस पर आधारित और भी सवाल आप अपने आप बना करके करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।